brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. तो आ रहे हैं यूपी के दो लड़के, आ रहे हैं अखिलेश संग राहुल, आ रहे हैं चौथे चरण का माहौल बम बम बनाने, आ रहे हैं सपा की खास सीट पर कमल को खार फेंकने, आ रहे हैं कि सेंट्रल यूपी से पूरब तक गूंज उठे गठबंधन की धमक। और इस धमक से पहले ही बीजेपी उम्मीदवार डरने लगे हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक को सताने लगा है भयंकर डर, और इस डर के मारे वो पहुंच गए एक खास दरवाजे। क्या है सुब्रत पाठक का डर, क्यों डर रहे हैं सुब्रत पाठक, और कहां पहुंच गए वो अपने डर को लेकर, और एक चिट्ठी जो वायरल हो रही है उसमें क्या है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि चौथे फेज की फाइट में कन्नौज में मामला टाइट है। एक और अखिलेश यादव ने सीट पर मानो सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो उधर ये सीट बीजेपी के लिए बन गई है नाक का सवाल। तो लगे हुए हैं दिग्गज, फिर क्या अमित शाह, क्या योगी, सब लगे हुए। पीएम मोदी भी बगल वाली सीट इटावा में आकर कन्नौज को दे चुके हैं बड़ा संदेश। दरअसल ये सीट 2019 में जब बीजेपी ने जीती तो मानो सारी समीकरण ही बदल दिए। सपा की सबसे खास या यूं कहें कि अखिलेश के लिए सबसे अजीज इस सीट पर डिंपल यादव की करारी हार ने न केवल बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया बल्कि सपा कैडर में निराशा नाराजगी के हालात हो गए। ऐसे में अपनी सीट को बचाने खुद अखिलेश उतरे हैं, तो सुब्रत पाठक की मजबूती को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वही सुब्रत पाठक भी अखिलेश और सपा को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने सपा पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन की जनसभा से पहले सुब्रत पाठक की एक चिट्ठी सामने आई है जो जमकर वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने अपना डर लिखा है। इस चिट्ठी में सुब्रत पाठक ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है कि उन्हें जानकारी मिली है कि चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है। उन्होंने खत में लिखा कि मुझे स्थानीय लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि आम चुनाव 2024 को प्रभावित करने की योजना बनाई जा रही है। अराजकता फैलाने की मंशा से समाजवादी पार्टी कन्नौज और प्रदेश के बाहर से कई असामाजिक व्यक्ति जो विशेष समुदाय से हैं, आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से बुलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज लोकसभा सीट के विभिन्न क्षेत्रों में कन्नौज के बाहर से अनेक वाहन और लोग भारी संख्या में सक्रिय हैं, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें। उनका ये खत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की उम्मीदवारी से पहले से ही सुब्रत पाठक लगातार सपा और अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब अखिलेश राहुल की रैली से ठीक पहले उनकी ये शिकायत, इस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर जो विशेष समुदाय का जिक्र सुब्रत पाठक ने अपनी चिट्ठी में किया है उसको लेकर भी पहले से माहौल बनना शुरू हो गया है। कन्नौज में जब अखिलेश यादव शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचते हैं तो वहां पर गंगा जल से मंदिर की धुलाई कराई जाती है, और कहा जाता है कि अखिलेश यादव विशेष समुदाय के लोगों को लेकर पहुंचे थे जिन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई। वहीं इसके साथ ही नामांकन करने जब अखिलेश यादव पहुंचे थे तो नॉमिनेशन डे पर सुब्रत पाठक ने इसे भारत पाकिस्तान का मुकाबला बताया था। आपको बता दें कि कन्नौज में चुनाव चौथे चरण में 13 मई को होगा।